हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये जो मेरे पास एडिशन है इस बुक में, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। हो सकता है आपके पास ओल्ड एडिशन हो तो उसमें क्वेश्चन नंबर 7 होगा या कोई और अलग क्वेश्चन नंबर हो सकता है। आप नंबर से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ पहले। The firm of Messrs. ABC Brothers presented you with following balance sheet drawn as on 31st March. So, सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे balances as per balance sheet. Now, ये जो मैंने format बनाया है, इस फॉर्मेट में हमें प्रायोरिटी सेट करनी होगी कि सबसे पहले पेमेंट किसको दी जाएगी। और सबसे पहले पेमेंट किसको दी जाएगी, ये प्रायोरिटी मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में अच्छे से एक्सप्लेन की है। सो अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा तो पहले आप फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए। आपको सारे लेक्चर्स सिक्वेंस में देखने हैं, आप बीच में देखोगे तो नहीं समझ में आएंगे। सो यहां पर हमें प्रायोरिटी सेट करनी है कि सबसे पहले पेमेंट किसको होगी। सो फर्स्ट प्रायोरिटी है क्रेडिटर्स की। आपने देखा था लेक्चर नंबर 1 में कि फर्स्ट पेमेंट आउटसाइडर्स को किया जाता है। आउटसाइडर्स मींस जो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है, और क्रेडिटर्स हमारे आउटसाइडर्स होते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी है। सो बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स का है 74,000, और उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल को पेमेंट किया जाएगा। सो ए की कैपिटल है 80,000, बी का कैपिटल है 60,000, और सी का कैपिटल है 54,000। इस स्टेटमेंट के ऊपर आप हेडिंग देंगे पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमॉन्ग पार्टनर्स। ये हेडिंग किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर देना जरूरी होता है। ये काफी ऊपर हो जाएगा अगर मैं लिखूंगा, हो सकता है आपको रिकॉर्डिंग में ना दिखाई दे, इसलिए मैं वर्बल बता रहा हूं। आप हेडिंग दोगे पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमॉन्ग पार्टनर्स। अब हमने बैलेंसेस एज पर बैलेंस शीट लिख दिए। अब हम यहां पर देखेंगे कि कुछ रिजर्व्स या करंट अकाउंट दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो अभी के अभी प्लस माइनस करना होगा। सो इसका रूल मैं आपको बता दूं कि करंट अकाउंट क्रेडिट साइड लायबिलिटी साइड दिया हुआ है तो प्लस करोगे, और करंट अकाउंट डेबिट साइड एसेट साइड या डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो आपको माइनस करना होगा। तो यहां पर हम माइनस करेंगे करंट अकाउंट ए का नहीं है, बी का है 8,000 और सी का है 6,000। ये हम यहां पर माइनस करेंगे। फिर से बता रहा हूं, एसेट साइड हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं, माइनस करेंगे। अगर यही लायबिलिटी साइड होते तो उसे क्रेडिट बैलेंस कहते हैं और वो प्लस करेंगे। सो यहां पर फाइनली क्रेडिटर्स का बैलेंस बचा 74,000, पार्टनर ए 80,000, बी 52,000 एंड सी 48,000। अब ये हो गया हमारा लायबिलिटी कंफर्म कि हमें लायबिलिटी पे कितनी करनी है। अब हम यहां पर एसेट्स देखेंगे कि हमारे पास एसेट्स कितने हैं, कैश बैलेंस कितना है और कितना पैसा आ रहा है। सो एसेट्स में सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं कैश ऑन हैंड। कैश ऑन हैंड है इनके पास 6,000। कैश ऑन हैंड या फिर आप कैश बैलेंस भी लिख सकते हो। यहां पर कैश बैलेंस है 6,000। अब ये जो इनके पास रियलाइजेशन का अमाउंट आएगा, जो भी एसेट्स ये लोग सेल करेंगे, वो पीसेस में आता है, टुकड़ों में आता है। अब नीचे रीड कर लेते हैं क्या दिया हुआ है और इनका पेमेंट कैसे आ रहा है।
पार्टनर शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3 ड्यू टू डिफरेंसेस अमंग द पार्टनर्स इट वॉज डिसाइडेड टू वाइंड अप द फर्म. फर्म को वाइंड अप करना है, डिसॉल्व करना है. रियलाइज द एसेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट कैश अमंग द पार्टनर्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ. हर एक मंथ के एंड में जितना भी कैश आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे. द फॉलोइंग रियलाइजेशन वर मेड. फर्स्ट इनका जो इंस्टॉलमेंट आ रहा है मई मंथ में आ रहा है. अब ये न्यू एडिशन है, इसमें मई जो ईयर दिया हुआ है वो 2010 दिया हुआ है. 2010 आपका ईयर कोई अलग हो सकता है. ईयर से सम चेंज नहीं हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ₹30,000 फ्रॉम डेटर्स एंड ₹40,000 बाय सेल ऑफ स्टॉक. एक्सपेंस ऑफ डेटर्स रियलाइज्ड रुपीस. एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन वर ₹1,000. अब मैं यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लिख रहा हूँ. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मई 2010. अब इनको जो रियलाइजेशन हुआ है वो डेटर्स में से हुआ है. डेटर्स 30,000, 40,000 स्टॉक, टोटल 70,000 रुपीज रियलाइज्ड हुआ है. और डेटर्स से पैसा कलेक्ट करते जाना पड़ता है या फिर स्टॉक सेल किया होगा तो इनका एक्सपेंस हुआ है. सो एक्सपेंस हुआ है तो वो एक्सपेंस माइनस कर लेंगे उसी इंस्टॉलमेंट में से. तो इनका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा वो हो जाएगा 69,000. सो कैश बैलेंस 6,000 प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो इनका रियलाइज्ड हुआ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो है 69,000. इसका मतलब हुआ 6,000 इनके पास ऑलरेडी पहले से थे, 69,000 रुपीज रियलाइज्ड हुए. तो टोटल हो गए इनके पास 75,000 रुपीज. 75,000. अब ऐसे ही जून का इंस्टॉलमेंट भी है, अगस्त का भी है, सितंबर का भी है. ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस सम में दी हुई है जो फर्स्ट सम में नहीं थी. पार्टनर्स डिसाइडेड टू कीप अ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ रुपीज 4,000 अप टू जून एंड 2,000 देर आफ्टर. पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया है कि जब तक फॉर्म डिसॉल्व नहीं होती, देखो कितने महीने लग रहे हैं, मई जून अगस्त सितंबर, सो 3-4 महीने लगते हैं फॉर्म को डिसॉल्व करने में. एंड इन बिटवीन हो सकता है कोई इमरजेंसी एक्सपेंस आ जाए, आता तो नहीं है, बट समझो लाइट का बिल आ गया. अब लाइट का बिल पे नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चला जाएगा. सो इन्होंने डिसाइड किया है कि 4,000 जितना बैलेंस हम फॉर्म में रखेंगे कब तक, वो बताया है उन्होंने जून तक, और जून के बाद 2,000 रखेंगे. अब ये बैलेंस तो इनको कैश रखना पड़ेगा, मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा जो इन्होंने डिसाइड किया है. सो यहाँ पर मिनिमम बैलेंस मैं माइनस कर देता हूँ जो इन्होंने अभी अलग करके रखा है. मिनिमम बैलेंस, ये हो सकता है कोई एक्सपेंस आ जाए तो इसमें से करेंगे. देखो एक्सपेंस हो सकता है या कभी कोई कस्टमर आ गया, चलो उसके लिए टी कॉफी या कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करनी है, तो पैसा कहाँ से आएगा? इन्होंने पूरा पैसा तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, थोड़ा पैसा अलग रखेंगे. तो यहाँ पर इन्होंने 4,000 रुपीज का एक मिनिमम बैलेंस रखा हुआ है, अलग करके रखा. अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनके पास बचा 71,000 और सामने क्रेडिटर्स को देने हैं 74,000. तो ये पूरा का पूरा पैसा क्रेडिटर्स को दे दिया जाएगा. ध्यान से समझना, क्रेडिटर्स को देना 74 है बट इनके पास अवेलेबल 71 है. तो यहां पर लिखेंगे पेड टू क्रेडिटर्स 71,000. 71,000 रुपीज क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी तो इनका जो कैश हो गया वो हो गया जीरो.
क्रेडिटर्स थे 74, क्रेडिटर्स को 71,000 रुपीस पे हो गए, तो बाकी के जो क्रेडिटर्स बचे वो बचे 3,000। अभी तक ए बी और सी को कोई अमाउंट पेड नहीं हुआ है। सो ए 80,000, बी 52,000 और सी 48,000 बैलेंस बचेगा। यहां तक इनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो पेड हो गया। अब इनका आएगा सेकंड इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में से इन्होंने क्या किया, एक तो 4,000 रुपीस अलग करके रखे हैं मिसेलेनियस एक्सपेंसेस के लिए एंड 71,000 रुपीस इन्होंने क्रेडिटर्स को पेमेंट दे दिया। अब इनका जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है उसका कलेक्शन होगा। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट में देखो क्या दिया हुआ है, जून 2010 बैलेंस ऑफ डेटर्स रियलाइज 20,000 एंड बैलेंस ऑफ स्टॉक 48,000 और एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है। तो यहां पर सेम करेंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट इनका आ रहा है जून में, डेटर्स 20,000 एंड स्टॉक 48,000। सो टोटल अमाउंट 68,000 रुपीस इनका रियलाइज्ड हुआ सेकंड इंस्टॉलमेंट में से। सो हम आ जाते हैं अपने स्टेटमेंट पर। यहां पर मैं लिखूंगा सेकंड इंस्टॉलमेंट सिक्सटी 8,000। नाउ माइनस करेंगे पेड टू क्रेडिटर्स, क्यों, क्योंकि अभी क्रेडिटर्स को पूरा पेमेंट नहीं हुआ है। जब तक क्रेडिटर्स को पूरा पेमेंट नहीं होता तब तक पार्टनर्स को पेमेंट नहीं कर सकते। सो पहले क्रेडिटर्स को पूरा पेमेंट देना पड़ेगा। बट क्रेडिटर्स का बाकी कितना है, 3,000, तो पहले क्रेडिटर्स को 3 दे देते हैं। सो पेड टू क्रेडिटर्स 3,000 रुपीस का पेमेंट कर दिया क्रेडिटर्स को। सो क्रेडिटर्स हो गए 0, ए का बैलेंस अभी भी बाकी है 80,000, बी 52,000, सी 48,000 एंड कैश जो था इनका सेकंड इंस्टॉलमेंट 68,000 आया था उसमें से 3,000 का पेमेंट हो गया। सो 65,000 रुपीस बाकी बचा इनका, 65,000 रुपीस कैश पड़ा हुआ है अब सेकंड इंस्टॉलमेंट में से। अब ये 65,000 किसको मिलना चाहिए, क्या ए को पे करें, बी को या सी को? तो उसके लिए हमें सीखना होगा, हमें करना होगा कैपिटल फैक्टर, जो हम पहले भी करके आए हैं और फिर से आज हम सीख रहे हैं। ये जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पर लिखना है कैपिटल, कैपिटल आफ्टर करंट अकाउंट, ठीक है। सो ए, ए का कैपिटल है 80,000, बी, बी का कैपिटल है 52,000, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आफ्टर करंट अकाउंट, एंड सी, सी का कैपिटल है 48,000। हमने तीनों का कैपिटल लिख दिया पहले, अब हम प्रायोरिटी देख रहे हैं कि सबसे पहले पेमेंट किसको दी जाए, तो ये प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी के लिए हमें ये सब करना होगा। सो सबसे पहले ए 80,000, बी 52,000 एंड सी 48,000, इसे डिवाइड करेंगे इनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो से, और वो रेशियो दिया हुआ है 4, 3 एंड 3। रेशियो दिया हुआ है 4, 3 एंड 3। नाउ जब हम इस रेशियो से इनको डिवाइड करेंगे
तो जो आंसर आएगा वो आंसर होगा कैपिटल फैक्टर, उसे हम कहेंगे कैपिटल फैक्टर। और ये जो कैपिटल फैक्टर कैलकुलेट कर कर हम सम करते हैं, उस सम को कहते हैं सरप्लस कैपिटल मेथड। सो 80,000 डिवाइड बाय 4 तो आंसर हो जाएगा 20,000। 80,000 को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, 52,000 डिवाइड बाय 3 सो 17,333 एंड 48,000 डिवाइड बाय 3 तो आंसर आएगा 16,000। यहां पर हमने कैपिटल को उनके रेशियो से डिवाइड कर दिया और हमें मिल गया कैपिटल फैक्टर। नाउ सेकंड हमें क्या करना है, सेकंड हमें फिर से यही कैपिटल लिखनी है ए बी और सी की। 80,000, 52,000 एंड 48,000। ये समझ लो कि सम के स्टेप्स हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो कैपिटल फैक्टर का आंसर आया है इसमें से सबसे छोटा सबसे लीस्ट कैपिटल फैक्टर किसका है, तो ए का है 20,000, बी का आंसर आया है 17,333 और सी का आंसर आया है 16,000। सो सबसे लीस्ट कैपिटल फैक्टर लोएस्ट कैपिटल फैक्टर है सी का। हम सी के इस कैपिटल फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे उनके रेशियो के साथ। सो 16,000 इंटू 3 48,000, फिर से 16,000 इंटू 3 हमें इसी 16,000 को मल्टीप्लाई करना है 48,000 एंड 16,000 इंटू 4 64,000, ये हम माइनस कर देंगे। सो 48 माइनस 48 आंसर हो जाएगा 0, 52,000 माइनस 48,000 तो आंसर होगा 4,000 एंड 80,000 माइनस 64,000 तो आंसर आ जाएगा 16,000। तो ये हो गई फर्स्ट प्रायोरिटी पेमेंट की, कि सबसे पहले हमें ए को पे करना होगा, ये हमारी पेमेंट प्रायोरिटी आई है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पेमेंट करना होगा ए को 16,000 और बी को 4,000। हम दोनों को मिलाकर भी 20,000 पेमेंट कर सकते हैं, दोनों को मिलाकर टोटल 20,000 का पेमेंट कर देंगे तो भी चलेगा, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। और जैसे ही हम ये पेमेंट करेंगे इनका जो कैपिटल है वो इनके रेशियो में सेट हो जाएगा, देन हम तीनों को पेमेंट कर सकते हैं। तो आइए पेमेंट करते हैं सबसे पहले ए को। देखिए सिंपल इसका मैं लॉजिक बताऊं तो क्या है, कि सी का रेशियो है 3, उसका कैपिटल है 16,000 पर रेशियो, टोटल कैपिटल 48,000। तो बी का भी उतना ही होना चाहिए, बी का ज्यादा क्यों है भाई, तो बी को पहले पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहां पर बी का बी 3 रेशियो है तो उसका 48 होना चाहिए, सो 48 में से 52 है, 4,000 ज्यादा है, तो 4,000 पेमेंट किया जा रहा है इधर बी को। सेम ए का मैं अलग मेथड से समझाता हूं, कि अगर सी का जो रेशियो है वो 3 है और उसका कैपिटल है 48,000, तो जो ए का रेशियो 4 है तो 4 के हिसाब से उसका कैपिटल कितना होना चाहिए, सी का रेशियो 3 है उसका कैपिटल 48,000 है, ए का रेशियो 4 है तो उसका कैपिटल कितना होना चाहिए, सो 4 इंटू 48,000 डिवाइड बाय 3 तो ये आंसर आ जाएगा 64,000 होना चाहिए, 64,000 ए का कैपिटल होना चाहिए। ओके 64,000 और है कितना 80, तो एक्सेस कितना हुआ, एक्सेस कैपिटल 80,000 माइनस 64,000 तो 16,000 उसका एक्सेस कैपिटल हुआ, वो हम यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं।
सो पर रेशियो हर एक का एक कैपिटल होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा है तो पेमेंट कर दो, ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहले पेमेंट करेंगे किसको, ए को 16,000 और बी को 4,000। तो यहां पर मैं लिखूंगा पेड टू ए एंड बी, टोटल पेमेंट होगा 20,000, टोटल पेमेंट हो गया 20,000, जिसमें से ए को पेमेंट कर रहे हैं हम 16,000, बी को 4,000। सो 80 में से 16,000 का पेमेंट हो गया तो बचा 64, 48, सी को कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ है अभी तक 48, एंड 65,000 कैश में से 20,000 का पेमेंट कर दिया तो कैश बचा 45,000, ये कैश बचा है अभी तक। ये जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है अभी भी यहां पर कैश 45,000 अवेलेबल है। अब 45,000 अगर कैश है इनके पास यहां पर, और यहां देखो इनका जो रेशियो है, इनका जो कैपिटल है वो उनके रेशियो में सेट हो गया। इनकी जितनी भी कैपिटल है, कैपिटल कितनी है 64, 48, 48, इसका रेशियो हो रहा है 4:3:3। अब हम जब ये रेशियो सेट हो जाता है तो तीनों को पेमेंट कर सकते हैं। सो नाउ 45,000 का पेमेंट होगा पेड टू ए बी एंड सी इन देयर पी एंड एल रेशियो, इनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में हम इन्हें पेमेंट कर देंगे अब। सो टोटल 45,000 का पेमेंट करना है कैश, 45,000 है पूरा का पूरा पेमेंट करना है। सो 45,000 को 4:3:3 में पेमेंट करो। सो 45,000 का 4:3:3 करेंगे तो ए के हिस्से में आएंगे 18,000, बी के हिस्से में आएंगे 13,500 और सी के हिस्से में भी आएंगे 13,500। ये हो गया इन तीनों का पेमेंट। अब अगर 18,000 पेमेंट कर दिया तो 64-18 तो ये बचा 46,000। 48,000 में से हम 13,500 माइनस करेंगे। सो 48,000 में से 13,500 माइनस करेंगे तो 34,500 एंड 34,500 रुपीस बैलेंस बचेगा। तो यहां पर हो गया कैश जीरो और तीनों पार्टनर्स को पेमेंट हो गई। अब हमारे पास जितने भी इंस्टॉलमेंट आएंगे वो तीनों पार्टनर्स को पैड होंगे। सो नाउ सेकंड इंस्टॉलमेंट के बाद यहां पर हम लिखेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट, अब इनका जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो कैलकुलेट करके देखें कि कितना आ रहा है और कहां से आ रहा है इनका थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो ये जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है ये है इनका अगस्त का, ईयर आपका अलग हो सकता है। पार्ट ऑफ मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 36,000, मशीन से इन्होंने सेल किए 36,000 में। एक्सपेंस इंसिडेंटल टू सेल्स वर 1200, अब मशीन को सेल करने का जो एक्सपेंस हुआ है वो हुआ है 1200। सो 36 में से 1200 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 34,800। ये हो जाएगा इनका थर्ड इंस्टॉलमेंट। अब हमारे पास क्या है, हमें तीनों ही पार्टनर्स को पेमेंट करना है।
सो ये जो थर्ड इंस्टॉलमेंट आया है 34,800, तो यहां पर लिखेंगे 34,800। अब आपको पता था कि इन्होंने जब फर्स्ट पेमेंट करना स्टार्ट किया था तो समय दिया हुआ था कि ये लोग जून तक 4,000 रुपीज अलग करके रखेंगे, जून तक। तो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में से जून में माइनस किए थे 4,000, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, फिर से बता रहा हूँ, सॉरी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में से माइनस किए थे 4,000। ये इनको कब तक रखना है? जून तक। जून के बाद इन्हें 4,000 रखने की जरूरत नहीं है, जून के बाद सिर्फ 2,000 ही रखने हैं। तो 4,000 एक्स्ट्रा बचे, तो वो जो 4,000 में से 2,000 एक्स्ट्रा बचे वो यहां पर प्लस कर देंगे। ये कहां से आएंगे? ये कैश बैलेंस में से आ रहे हैं। जो कैश बैलेंस इन्होंने अलग कर कर रखा था कि शायद कोई एक्सपेंस आ जाए, अब लग रहा है इनको 4,000 की जरूरत नहीं है, उस 4 में से 2,000 की ही जरूरत है, तो बाकी का 2,000 अब यहां ऐड कर देंगे। सो 34,800 प्लस 2,000, तो आंसर आ गया 36,800। और अब ये 36,800 जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों पार्टनर्स में। सो यहां पर लिखेंगे माइनस पेड टू ए बी एंड सी इन देयर रेशियो 4:3:3। सो 36,800 इंटू 4 डिवाइड बाई 10 कर रहा हूं मैं, तो आंसर आ रहा है 14,720 का पेमेंट जाएगा ए के पास। थर्टी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड इंटू थ्री डिवाइड बाई 10 कर रहा हूं, सो 11,040 का पेमेंट जाएगा बी के पास एंड 11,040 का पेमेंट जाएगा सी के पास। नाउ 46,000 माइनस 14,720, तो जो ए का बैलेंस बचा वो बचा 31,280, बी को 34,500 में से 11,040 मिले, सो बी का बैलेंस बचा 23,460 एंड सी का बैलेंस बचा 23,460 और इनका कैश बैलेंस हो गया जीरो। अब इनके पास कैश में कोई बैलेंस अवेलेबल नहीं है, जीरो हो गया कैश इनका। अब आएगा इनका फोर्थ इंस्टॉलमेंट, और वो फोर्थ इंस्टॉलमेंट कब है इनका? तो वो है सितंबर में। अब ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितना आया है तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। पार्ट ऑफ मशीनरी वैल्यूड इन द बुक्स एट ₹10,000 वॉज टेकन बाय मिस्टर ए इन पार्ट डिस्चार्ज्ड एट एन अग्रीड वैल्यू 20,000। देखो जो मशीन है ना वो ए लेकर जा रहा है, 10,000 की मशीन 20 में लेकर जा रहा है। हमें ये नहीं देखना मशीन कितने की है, हमें ये देखना है कि रियलाइज कितना हो रहा है, उस मशीन की वैल्यू क्या आ रही है। तो ए ने ले लिया 20,000 में, और बैलेंस ऑफ मशीनरी वॉज सोल्ड ₹56,200, तो ये हो गया 76,200। अब ये हो गया इनका फोर्थ इंस्टॉलमेंट, तो यहां पर हम लिखेंगे फोर्थ इंस्टॉलमेंट। फोर्थ इंस्टॉलमेंट अमाउंट आया है 76,200। अब इन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में से 4,000 रुपीज अलग करके रखे थे किसी इमरजेंसी एक्सपेंस के लिए, जो इन्हें लग रहा था कि जून तक 4,000 की जरूरत है, जून के बाद 2,000 की जरूरत है। बट अब तो फॉर्म डिसॉल्व हो गई, ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, तो जो 4,000 रुपीज इन्होंने अलग करके रखे थे उसमें से 2,000 इन्होंने थर्ड इंस्टॉलमेंट में ऐड करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और बाकी बचा हुआ 2,000
वो लास्ट इंस्टॉलमेंट में ऐड कर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि इसके बाद और कोई इंस्टॉलमेंट आने वाला नहीं है। तो ये हो गया 78,200। अब इस 78,200 को तीनों पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर ले लेंगे। सो आइए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कैलकुलेटर पर कि 78,200 में से तीनों पार्टनर्स को कितना मिलेगा। ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है। अगर 78,200 तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी उनका कुछ कैपिटल बाकी रहता है तो वो उनका लॉस हो जाएगा। सो 78,200 × 4/10 करेंगे तो आंसर आ रहा है 31,280। सो 31,280 78,200 × 3/10 करेंगे तो आंसर आ रहा है 23,460 and 23,460। सो टोटल पूरा अमाउंट 78,200 यहाँ पर लिखेंगे पेड टू ए बी एंड सी इन देयर रेशियो। सो कैश बैलेंस हो जाएगा जीरो। ए को 31,280 देने थे, 31,280 ही मिल गए। सो इसका लॉस या प्रॉफिट कुछ भी नहीं हुआ है पार्टनर्स को। पार्टनर्स का जितना कैपिटल था उतना कैपिटल उनको वापस मिल गया। इस समय न्यू पॉइंट क्या थी, एक तो इंस्टॉलमेंट आपको अलग अलग दिए हुए थे कि ये एसेट्स इतनी रियलाइज्ड हुई, और दूसरा था कि इन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में से 4,000 मिसेलेनियस एक्सपेंस के लिए अलग करके रखे थे, शायद जरूरत पड़ जाए, बट कभी जरूरत पड़ी नहीं। सो इस 4,000 में से 2,000 थर्ड इंस्टॉलमेंट में ऐड कर दिए। क्यों ऐड किए, क्योंकि थर्ड इंस्टॉलमेंट जून के बाद आ रहा था, इनको जून तक 4,000 रखना था, जून के बाद 4 नहीं रखना था, 2 रखना था। सो इस 4,000 में से 2,000 ऐड कर दिए एंड 2,000 ऐड कर दिए फोर्थ इंस्टॉलमेंट में। सो स्टूडेंट्स दैट्स इट, ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। आप जितना भी आपको इसमें से नोट डाउन करना है कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।